घड़े में छुपकर बैठा कद्दू। यही तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है। ये कहानी प्रकाश मनु की है और ये एक हंसने वाली कहानी है। घड़े में छिपके बैठा लड्डू कद्दू। मैं हूँ निष्ठा और आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए अपन ये कहानी पढ़ते हैं। एक था मोजीराम। हर वक्त अपनी मौज में रहता, खुद हंसता और दूसरों को भी हंसाता। हुलसानापुर गांव में जितना तेज दिमाग मोजीराम का था, उतना और किसी का भी ना था। सारे हुलसाराम के लोग उसकी समझदारी की दाद दिया करते थे। एक बार की बात है, हुलसानापुर ने एक जादूगर तंगा मारा अपने जादू का कमाल दिखाने आया। खूब लंबे कद का तंगा मारा, देखने में जितना रोबदार था, उसका जादू उससे भी कहीं ज्यादा कमाल का था। गांव वालों ने जादूगर तंगा मारा के जादू की जी भर कर तारीफ की, खूब तालियां बजाई, पर मोजीराम चुप रहा, जादूगर भी ये देख रहा था। खेल खत्म होने के बाद जादूगर हुलसानापुर से जा रहा था, तो उसने मोजीराम से कहा, भाई मोजीराम, लगता है आपको हमारा जादू पसंद नहीं आया। नहीं, जादू तो आपका ठीक ठाक ही है, मोजीराम बोला, पर मैं यह सोच रहा था कि आप ज्यादा बड़े जादूगर हैं या मैं। तो क्या फैसला किया आपने, जादूगर ने चिढ़कर पूछा। तो फैसला ही तो नहीं हो पाया है, मोजीराम ने हंसकर कहा। आप कोई साल बाद भर बाद इधर आइएगा, तब तक कुछ नए जादू भी सीख लीजिएगा, फिर अपना तगड़ा मुकाबला होगा, उसी में तय हो जाएगा कि आप बड़े जादूगर हैं या मैं। ठीक है, मोजीराम की बात सुनकर जादूगर तंगा मारा हंसता हुआ चला गया। उसे लगा मोजीराम ने यूं ही मजाक में यह बात कही होगी, भला मेरे जादू का कोई खाक मुकाबला करेगा। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जादूगर की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने बहुत से जादू के नए खेल सीखे, रात दिन अभ्यास किया। उधर मोजीरा मौज में था। हुलसाना गांव के दो चार लोगों ने उसे याद दिलाया भी कि उसे जादूगर के जादू का मुकाबला करना है, पर वह हंसकर टाल देता था। ठीक एक साल बाद जादूगर तंगा मारा फिर हुलसानापुर गांव में आया। इस बार उसने जादू के ऐसे ऐसे नए खेल दिखाए कि गांव वाले मुग्ध हो गए। खेल खत्म होने के बाद देर तक तालियां बजती रहीं। फिर तंगा मारा अकड़ कर बोला, अब मोजीराम की बारी है, मोजीराम जी आकर अपना खेल दिखाएं। कहकर वह मंच से नीचे उतर गया। मोजीराम दर्शकों के बीच बैठा बड़े मजे से खेल देख रहा था। उसका नाम पुकारा गया तो वो झट से पास पड़ा थैला उठाकर मंच पर आ गया। फिर उसने थैले में हाथ डालकर मंत्र पढ़ा, मोजीराम का देख के जादू, घड़े में छिपके बैठा कद्दू, अजी हाँ अजी हाँ अजी हाँ। 5-7 दफा यही मंत्र पढ़ने के बाद उसने थैले में से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में घड़ा था और उस घड़े के अंदर एक पूरा कद्दू। मोजीराम ने वह घड़ा चारों तरफ खड़े गांव वालों को दिखाया, बोला, भाइयों अच्छी तरह देख लो, यह घड़ा है और घड़े के अंदर कद्दू, जो मेरे जादू के जोर से घड़े के अंदर छिपकर बैठ गया है। फिर उसने आगे कहा, भाइयों यह जादू तंगा मारा तो आपको दूर से अपना जादू दिखाता है, पर मेरा जादू आप एकदम पास से देख सकते हैं। बताइए घड़े के भीतर एक पूरा का पूरा कद्दू है कि नहीं। सचमुच घड़े के अंदर पूरा एक बड़ा कद्दू था और घड़ा टूटा फूटा भी नहीं था, एकदम साबुत था। लोग हैरान होकर ये देख रहे थे। मोजीराम बोला, प्यारे भाइयों, मैंने अपने जादू से घड़े के अंदर इतना बड़ा कद्दू डाल दिया। जादूगर जी अपने जादू से घड़े के अंदर से कद्दू निकाल कर दिखाएं बिना तोड़े बगैर, तब मैं उन्हें अपने से बड़ा जादूगर मान लूंगा। कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, मगर जादूगर तंगा मारा तब तक वहां से भाग चुका था। ऐसा ठेठ देसी जादू उससे पहले कभी ना ही देखा था। पूरे हुलसानापुर गांव के लोग मोजीराम की खूब तारीफ कर रहे थे और दिल खोल के हंस रहे थे। हाँ, बाद में मोजीराम ने घड़े के में कद्दू डालने का जादू गांव के बच्चे बच्चे को सिखा दिया। यूं उसमें करना भी क्या था, बस जब कद्दू छोटा हो उस पर घड़े को लटका कर रख दो, कद्दू बड़ा होगा
तो खुद ब खुद घड़े में समा जाएगा। सुनकर बच्चे ही नहीं बड़े भी हंसे और देर तक हंसते रहे। पूरे गांव में मोजीराम की जीत का जो जुलूस निकला उसकी तो कोई बात ही नहीं थी। तो दिमाग से काम लेना भी चाहिए, बड़े बड़े जादूगर दिमाग से काम लेते हैं और छोटे मोटे तो फिर ऐसे जादूगरों के सामने तो छोटे पड़ ही जाएंगे ना। तो ये प्रकाश मनु की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखें।